ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮੋ ਬੁਧਾਏ, ਜਮਨੋ ਅਸਤ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਥੀਓ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪਰ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦਾ ਸਾਥੀਓ। ਆਪ ਸਭੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। तो जो सच्ची बातें हैं, जो सत्य पर आधारित हैं, जिनके अंदर गुरुओं ने 100% सत्य माना है, उसी को हम बात करने की कोशिश करते हैं, उसी पर बात करते हैं। तो वैसे मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा है, जो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहा है। हम ये दावा नहीं करते कि बिल्कुल 100% कर रहे हैं, पर इतना करते हैं कि पूरी कोशिश करते हैं सच बोलने की। और जो शिक्षा गुरुओं ने दी है, जो बातें गुरुओं ने हमें सिखाई हैं, वही आप सभी के सामने हम साझी करते हैं। तो आज बात करेंगे हम सत्य धर्म में कि गुरु नानक साहिब की जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वाणी है, उसमें गुरु साहिब ने शुरुआत में उस वाहेगुरु की, अल्लाह की गोड़ की, उसके बारे में बताया है कि उसके गुण क्या हैं। तो गुण जो शुरुआत में बताए हैं गुरु नानक साहिब ने, एक ओवंकार का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, वाहिगुरु है, अल्लाह गौर एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, नाम इसको अलग अलग दे दिए गए हैं। एक ओंकार, यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि एक ओंकार जो पूरा, एक ओंकार को छोटा रूप नहीं है, ओंकार पूरा ब्रह्मांड जिसमें लाखों धरती घूम रही हैं, करोड़ों धरती को में ज़्यादा हो सकती हैं, करोड़ों ही धरती घूम रही हैं, करोड़ों ही सूर्य। गुरु साहब कहते हैं इसमें कि कई कोट नक्षत्र सूर, कि कई करोड़ ही इसके अंदर सूर्य घूम रहे हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि इसमें सत नाम, उस वाहिगुरु का नाम सत्य है। सत्य सिर्फ वाहिगुरु का नाम ही है और कोई नहीं है। एक ओंकार का मतलब था यहाँ पर कि 33 करोड़ से छुट्टी लेनी या 33 करोड़ को एक तरफ रख देना, क्योंकि मन अगर एक होता है उसमें तो बहुत कुछ पैदा होता है। तो इसमें वाहिगुरु की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप देख रहे हैं, जैसे 5 तत्व हैं, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। तो पांच ही तत्व, इसमें 5 तत्व से इंसान बना हुआ है। तो गुरु साहब जो आखिरी श्लोक है जपजी साहब की वाणी के अंदर, उसमें वो फुरमान करते हैं कि पवन गुरु पाणी पिता माता धर्त महत। सिर्फ यहाँ 2-3 शब्दों का ही मैं खुलासा करूँगा, क्योंकि वाणी इतनी है, इतने अर्थ हैं उसके, कि इंसान सारी ज़िंदगी करता रहे तब भी नहीं हो पाएंगे। तो गुरुवाणी के अंदर जो लिखा है गुरु साहिब ने कि पवन गुरु पाणी पिता, अभी लोग बाग धरती माता कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं धरती माता, किसी ने भारत माता बनाया, लेकिन पूरे वर्ल्ड की धरती को कहते हैं धरत माता। पहले उससे कहते हैं पवन गुरु, अब गुरु साहब ने पवन को, हवा को गुरु क्यों कहा? पढ़ने में आसान है, लेकिन सोचने में बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। पवन गुरु पानी पिता, पानी को पिता कहा है और हवा को गुरु कहा है।
तो पहले हवा के बारे में बात करते हैं कि हवा को गुरु क्यों कहा गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने, क्योंकि जो गुरु जीवन देता है, असली गुरु वही होता है जो जीवन के रक्षक है, जो जीवन को सही दिशा देता है, जो जीवन को सही मार्ग दिखाता है, जो जीवन को सच्चे का रास्ता दिखाता है, वही असली गुरु होता है। तो पवन गुरु, गुरु क्यों कहा गुरु साहब ने, क्योंकि अगर आप देखें कि हम सांस ले रहे हैं, ये भी हवा से ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तब भी हवा से बोल रहे हैं, कुछ हमारी बॉडी चलती है ऑक्सीजन से चलती है, हम अगर इस पूरे ब्रह्मांड में चल फिर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीजन से चल रहे हैं। अगर दुनिया जीव जंतु इस धरती पर प्लेनेट पर सांस ले रहे हैं वो भी हवा से ले रहे हैं। अगर हवा इंसान के अंदर नहीं जाएगी तो वो शब्द नहीं उचार सकेगा, वह कुछ बोल नहीं सकेगा, वह कुछ कह नहीं सकेगा, वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हवा से हमारा शरीर चलता है। पवन गुरु, अगर एक थोड़ा देखें इसको बात को, अगर एक सेकंड या 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए हवा रुक जाए पूरे वर्ल्ड की तो कैसे हालात होंगे। तो जब गुरु साहब कहते हैं कि पवन गुरु, इसको गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने गुरु कहा है कि पवन गुरु है, क्योंकि इसके द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, इसके द्वारा ही हम सांस ले रहे हैं, इसके द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। पवन गुरु पानी पिता। अब पानी पिता क्यों कहा है, पानी को पिता क्यों कहा गुरु साहब ने, इसमें देखे। और पानी पिता, जब पिता की बात आती है तो माता भी जरूर होता है कोई ना कोई। अब माता कौन है, माता कहते हैं कि पवन गुरु पाणि पिता माता धरत महत, के जो ये धरती है ये माता है, जो ये पवन है ये जो पानी है वो पिता है। अब पिता पानी पिता कैसे हुआ, अब धरती माता कैसे हुई, धरती माता कहते हैं, बहुत सारे मानते भी हैं, बहुत सारे इसको देखते भी हैं कि माता है, अब माता इसको कैसे मान लें। और पिता पवन को, मतलब उसको पानी को पिता हम कैसे मान लें, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं कि हम उसको पिता कैसे मान सकते हैं पानी को। अभी अब देखते हैं, आप थोड़ा देखें सोचें कि जब बारिश बरसती है पानी पड़ता है, जब बारिश का मौसम है, जब श्रावण है, पानी बरसता है या धरती से निकालकर पानी ऊपर लेकर आते हैं, उसको कहीं डालते हैं, अगर बारिश बरसती है तो धरती से कुछ न कुछ उत्पन्न होता है, पेड़ पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही अगर इंसान की ज़िंदगी में हम लेकर चलें, अगर माँ बाप हैं तो उनसे औलाद भी पैदा होती है, अगर माँ बाप बाप के केवल बाप ही है माँ नहीं है तो औलाद पैदा नहीं हो सकती, अगर बाप ही बाप माँ ही अकेली है बाप नहीं है तभी औलाद पैदा नहीं हो सकती। दोनों के मिलाप से ही जो कुदरत का खेल है, ये कुदरत का जो करिश्मा है, ये कुदरती जानती है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टकराते हैं तो वहाँ से कुछ एक नई दिशा, नई एक शक्ति उत्पन्न होती है शक्ति। तो ऐसे ही कि पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, जब बारिश बरसती है, जब इंसान को जीवन मिलता पानी पीने से, इंसान की प्यास बुझती है। अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि प्यास पानी इसको पिता क्यों कह दिया है, क्योंकि जो जीवन इसमें जो वाहेगुरु की जो जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं, चाहे आकाश है, धरती है, पाताल है या पानी है, आग है,
ये सभी के सभी इंसान को जीवन दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, रात दिन मानवता को पाल रहे हैं रात दिन। अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि भगवान को नहीं मानते। हम ये नहीं कहते कि अब भगवान को माने, हम ये कहते हैं कि आप भगवान को माने या ना माने, लेकिन सच तो मानते हैं। सच अगर आप मान रहे हैं तो समझ लेना कि आप भगवान के नज़दीक हैं। भगवान हम ये नहीं कहे, भगवान को पूजने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। जैसे कि फूल, अगर फूल की खुशबू हम लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि जिससे अगर कोई इंसान फूलों में कभी गया ही नहीं हो, अगर कभी इंसान कोई किसी इंसान ने फूलों की खुशबू नहीं ली हो तो वो इंसान क्या कहेगा कि फूल दुनिया के अंदर नहीं है, या फूल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, कि मैं फूलों को नहीं मानता कि फूलों में खुशबू होती है। अब जिसने खुशबू ली होगी, जिसने खुशबू फूलों की ली है, वही बता सकता है कि फूलों में खुशबू होती है, और खुशबू में एक बहार होती है, और बहार में एक ये जो सुनहरा एक पल होता है वो वही महसूस कर सकता है जिसने ली है। तो हम बात कर रहे हैं कि पवन गुरु, पवन ईश्वर का बताया गुरु उसको, क्योंकि उससे जीवन मिलता है, उससे हमारी लाइफ चलती है। वो एक एक सेकंड में हमारी हमको जीवन देते हैं पवन जो हवा है। और ये नहीं ऐसा मत समझने कि पवन गुरु जो पवन है वो मतलब हनुमान का बाप है, ऐसा नहीं है। ये गुरु साहब की अलग बात है, वो अलग बात वो करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि माता धरत महत, पानी जब धरती पर पड़ता है, पानी जब धरती से समाता है, पानी जब धरती में हो जाता है, तो वहाँ से उत्पन्न होते पौधे, जीव जंतु, बहुत सारा कुछ इस पर उत्पन्न होता है जो धरती से उत्पन्न हो रहा है। इंसान जो है, इंसान भी कहीं ना कहीं से धरती के ही है, पांच तत्व के बने हुए। तो रवि जानता है कि इसको, कि इंसान को उसने कैसे बनाया है, जीव जंतु कैसे बनाए हैं, या उसको ही पता है। हम ये नहीं कहते कि अंडे ये बंदा इंसान अंडे में से निकला है, या मच्छी से निकला है, या कौवे से निकला है, या कहीं से निकला है, या बंदर से बना है। ऐसा बहुत सारे मानते हैं कि इन्होंने जो खोज की है वो अलग अलग मानते हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, इंसान के बारे में बोलते हैं कि इस धरती पर तेरी शिकदारी, कि तू इस धरती का बादशाह है, तेरा राज है इस धरती के ऊपर, तू यहाँ सब कुछ बदल सकता है, यहाँ कुछ कर सकता है। लेकिन आज इंसान कितना डरा हुआ है, कितना इंसान परेशान है, आज कितना इंसान कोरोना की वजह से कितना आज लाचार है इंसान, कि कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इंसान खुद इतना खतरनाक है कि एटम बम, डरा हुआ इंसान ही ऐसा करता है जो एटम बम ये पालते हैं। अभी हम वापस से उस पर आ गए कि पवन गुरु पानी पिता। अब पानी से पूरे सृष्टि का चल रहा है, जीवन चल रहा है। अगर पानी पेड़ को नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, पानी इंसान को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, अगर पानी जीव जंतु को नहीं मिलेंगे सब मर जाएंगे, कोई नहीं जीवित रह सकता। तो उसको कहा पानी पिता, पिता जीवन दे रहा है, पिता अपने बच्चों को पाल रहा है। तो पिता पवन गुरु पानी पिता, माता तरप महत धरत महत। अब धरती को माता क्यों कहा है, धरती को माँ क्यों कहा है, क्योंकि माँ ही एक चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति रखती है। माँ ही एक 9 महीने, अगर स्त्री की बात करें कि 9 महीने गर्भ में रखती है स्त्री इंसान को, चाहे वो लड़की है या लड़का है या ट्रांसजेंडर है या कोई भी है, उसको 9 मास अपने पेट में रख कर उसको पैदा करती है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है उसको। ऐसे ही धरती है। अब धरती इंसान को खाने को भी दे रही है, धरती इंसान को अपने गोद में भी रख रही है, धरती इंसान को घर बनाने को भी दे रही है, धरती इंसान को अपने जो ये देखे होंगे अपने बहुत सारे कब्र खोदते हैं, उसको धरती उसको अपने गोद में ले रही है,
धरती अपने जलाने को भी नहीं दे रही है। तो धरती पे जो है, धरती जो है इसको सब कुछ इंसान को दे रही है। तो धरती माता है, धरती माता है। तो धरती अभी जब धरती माता है, पिता वाहे पौन पौन है, तो वाहेगुरु कौन है फिर? अभी बात आकर धरती गुरु साहब ने कहा है कि धरती जब माता है और पवन गुरु है और पिता पानी है, तो ये जब ये है तो वाहेगुरु फिर कौन है वाहेगुरु? तो वाहेगुरु वो कहते हैं कि एक ओंकार, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस पूरे संसार को बनाने वाला, इस पांच तत्वों को बनाने वाला है, इस इन पांच तत्वों से जिसका शरीर, जिस इंसान का शरीर चल रहा है, उसको बनाने वाला वो वाहेगुरु है, अल्लाह है, गॉड है, इसको वाहेगुरु अल्लाह गॉड के नाम से जानते हैं। तो ये पांच तत्व के इंसान बने हैं, और पांच तत्व से ये नहीं केवल हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, ये सभी के सभी पांच तत्वों से बने हैं। इस और आज ये कोरोना जो आया, कोरोना वायरस ने ये आप सभी के सामने साबित कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंसानों को ही हो रहा है। उसने कोई गोरा नहीं देखा, काला नहीं देखा, उसने कोई नहीं देखा। अगर आप इसकी और भी गहराई तक जाकर देखें तो जैसे पानी पीकर इंसान के भारत के लोग जीते हैं, वैसे अफ्रीका के जीते हैं, वैसे इंग्लैंड के जीते हैं, वैसे ही संसार में इसके जीते हैं। अब गुरु पानी पवन गुरु वैसे ही इंडिया के हवा ले रहे हैं, वैसे ही अमरीका के ले रहे हैं, वैसे ही अफ्रीका के ले रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग उसी से जी रहे हैं। तो गुरु पवन गुरु पानी पिता, तो ये पानी जो है पूरे वर्ल्ड को जीवन दे रहा है, पूरे सृष्टि को जीवन दे रहा है, पूरे कायनात को जीवन दे रहा है। ऐसी माता तरफ महत, तो ये धरती ना मुसलमान को देखती है, ना हिंदू को देखती है, ना सिख को देखती है, सबको अपने प्यार से गले लगाती है, अपने कड़ावे में लेती है, अपने प्यार करती है अपने बच्चे को। वो जब तक जिंदा है तब तक उसको धरती एक खाने को दे रही है, जब मर गया है तब उसको अपने धरती उसमें कड़ावे में लेके उसको समाप्त करके कोई उसको अपने मलिन कर दिया, उसको अपने के अंदर उसको समा लिया है। वही समा सकता है जिसके अंदर समाणिक शक्ति हो, वही कुछ कर सकता है। ये जो जिसके अंदर कुछ गुरुओं की कृपा से ये जो हमने आपको बताया है, ये हमारे विचार नहीं हैं, ये गुरु नानक साहब के विचार हैं, हमने गुरुवाणी के अंदर पढ़े हैं तो आपको बताया है। तो पवन गुरु पाणी पिता माता धर्त महत, कदर करें इन सभी इंसानों की, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे हैं, एक वाहेगुरु के बच्चे हैं। तो सबकी कदर करें। उम्मीद करते हैं कि हमारे एपिसोड आप जी को सभी को अच्छे लग रहे होंगे, और सभी को उम्मीद करते हैं कि ये जो हम बोलते हैं शायद आपको पसंद ना आ रहे होंगे, सभी को पसंद आ रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो पसंद आएंगे और समझ आएंगे। तो हमने कई बार रिक्वेस्ट भी की है, अगर आप लोग कोई वीडियो बनाकर हमें सेंड करेंगे, कोई क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो हम आपका लाइव में जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ऐसा कर पाएंगे, हमें वीडियो भेजेंगे। तो थैंक यू सबका। हर ये हफ्ते वाली प्रोग्राम था हमारा, सत्य ही धर्म है, और ये सत्य धर्म चालू रखेंगे जब तक हमारे शरीर में सांस है, और जुड़ रहे हैं वाहे सुमान के साथ में। आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी से सलाम वालेकुम, जय जवाहर।